हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि क्वालिटी के 5 कोर टूल्स में से एक है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसपीसी के बारे में। एसपीसी एक टूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो। दोस्तों, आज के कंटेंट है हमारे एसपीसी क्या होता है, एसपीसी कब करते हैं, एसपीसी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें टाइप्स ऑफ किसी भी प्रोसेस में जो वेरिएशन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, कंट्रोल चार्ट क्या होता है, कंट्रोल चार्ट कितने तरह के होते हैं, सीपीसीपी के क्या होता है, एग्जांपल के साथ हम लोग लास्ट में समझेंगे सीपीसीपी के कैसे निकालते हैं विथ इन एक्सेल में हम लोग करेंगे उसको। एक्सेल में मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कैसे करते हैं एसपीसी को, जो कि बहुत ही आसान है। दोस्तों, जो भी मैंने ये कंटेंट बनाया है वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इंटरव्यू में आपसे यही पूछेंगे और आप लोग ऐसा ही जवाब दे करके इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। और लास्ट में मैं बताऊंगा 6 सिग्मा लेवल के बारे में, जो सिग्मा के 6 लेवल होते हैं, अगर हमारा सीपी के उसके बीच में आता है तो क्या हमारा प्रोसेस स्टेबल है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एसपीसी के डिफिनीशन के बारे में। दोस्तों, एसपीसी का फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको हम लोग इनिशियल प्रोसेस स्टडी भी बोलते हैं। एसपीसी क्वालिटी के 5 कोर टूल्स में से एक है। यह पीपैप का भी एक डॉक्यूमेंट है। जब हम लोग पीपैप सबमिशन करते हैं तब हम लोग एसपीसी का बनाते हैं। एसपीसी क्या होता है? एसपीसी एक मेथड है क्वालिटी कंट्रोल का, जो किसी प्रोसेस को मॉनिटर, एनालाइज और कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिसमें स्टैटिकल मेथड का यूज किया जाता है। एसपीसी इंश्योर करता है कि आपका प्रोसेस इफेक्टिवली ऑपरेट हो, कम वेस्ट हो, कम रिजेक्शन निकले उससे, विथ हाई प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और क्वालिटी के स्पेसिफिकेशन को मीट करें। एसपीसी को किसी भी प्रोसेस पर लागू किया जा सकता है जहां पर कंफर्मिंग प्रोडक्ट के आउटपुट को मापा जा सकता हो। एस्टेटिकल प्रोसेस और कंट्रोल के ये मीनिंग होते हैं। एस्टेटिकल मतलब न्यूमेरिकल डाटा से प्लॉट किया जाता है, और प्रोसेस मतलब जिसमें हम 5M और 1E के ऊपर काम करते हैं उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। कंट्रोल मतलब मेथड बनाते हैं कंट्रोल करने का, जिससे कि हम लोग इफेक्टिवली प्रोसेस को कंट्रोल कर सकें। अब हम लोग बात करते हैं एसपीसी को कब किया जाता है। तो एसपीसी को 2 फेज में किया जाता है। पहले फेज में जब किसी भी प्रोसेस को एस्टेब्लिश की जाती है, उसकी स्थापना की जाती है फर्स्ट टाइम, तब एसपीसी को किया जाता है। और दूसरे फेज में प्रोडक्शन प्रोसेस में भी किया जाता है। दूसरे फेज में ये तब होता है जब प्रोसेस के 5M और E में कोई बदलाव किया जाता है, उस आधार पर एसपीसी करते हैं, या जिग या फिक्चर के वियर रेट के आधार पर करते हैं। कई बार होता है जो हमारा पार्ट इंस्पेक्शन होता है या बनता है जिस जिग फिक्चर में, वो वियर आउट हो जाता है, तो उस पर भी हम लोग एसपीसी करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं एसपीसी की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, एसपीसी रिड्यूस करता है वेस्ट को, जो भी स्क्रैप होते हैं, पार्ट रिजेक्ट होते हैं, उसको रिड्यूस करता है, टाइम को कम करता है पार्ट को प्रोड्यूस होने में, इंस्पेक्शन के समय एरर को डिटेक्ट करता है, रिड्यूस इंस्पेक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अगर पार्ट आपके ज़्यादा रिजेक्ट होंगे तो आप उस पर ज़्यादा इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोसेस स्टेबल हो गया, बहुत कम रिजेक्शन आ रहा है, तो आप उसको सैम्पलिंग प्लान के अनुसार भी पार्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कम मात्रा में मटेरियल रिजेक्ट होने से कॉस्ट की सेविंग भी होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये है दोस्तों एसपीसी की इम्पोर्टेंस। एसपीसी करने से हमें ये फायदे होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में। दोस्तों, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 2 तरह के वेरिएशन होते हैं,
पहला होता है कॉमन कॉज वेरिएशन और दूसरा होता है स्पेशल कॉज वेरिएशन। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन की। कॉमन कॉज वेरिएशन अनकंट्रोलेबल होता है, यह प्रोसेस में रेंडम पाया जाता है जो कि इनहेरेंट और नेचुरल होता है। इसके लिए ना तो मैनेजमेंट और ना ही वर्कर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस इस वेरिएशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस तरह के वेरिएशन आपके प्रोसेस में आता है तो प्रोसेस आपका स्टेबल है या उसको इन कंट्रोल बोल सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सारे कॉमन कॉज वेरिएशन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा होता है स्पेशल कॉज वेरिएशन। यह वेरिएशन एक्सटर्नल वेरिएशन होता है जो प्रोसेस के आउटसाइड का होता है, जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको करेक्टिव एक्शन लेकर प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। अगर इस तरीके का वेरिएशन आता है तो आपके प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है या अनस्टेबल है। जैसे एग्जांपल, पुअर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ट्रेनिंग नहीं हो पाई एम्प्लॉय के अच्छे तरीके से, मशीन नीड रिपेयरेबल, मशीन को रिपेयर की जरूरत है लेकिन वो समय पर नहीं हुआ, तो उससे स्पेशल कॉज के वेरिएशन जनरेट होते हैं। तो ये सारे स्पेशल कॉज वेरिएशन के एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोल चार्ट की। कंट्रोल चार्ट को हम लोग प्रोसेस बिहेवियर चार्ट भी बोलते हैं। चार्ट एक ग्राफ होता है, हम लोग स्टडी करते हैं प्रोसेस टाइम के अनुसार कैसे चेंज हो रहा है, जिसमें हम डाटा को प्लॉट करते हैं। कंट्रोल चार्ट के चार के फीचर होते हैं। पहला होता है डाटा पॉइंट। डाटा पॉइंट वो होता है कि जो हम लोग सब ग्रुप में डाटा को मेजर करते हैं वो डाटा पॉइंट होता है, जिसको कि एक्स वाई एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है एवरेज और सेंटर लाइन, जो हम लोग मीन भी बोलते हैं। यह ग्राफ के बीच में होता है, बीच की लाइन जो होती है वो एवरेज की लाइन होती है। तीसरा होता है अपर कंट्रोल लिमिट, जिसको हम लोग UCL भी बोलते हैं, हम लोग प्लस थ्री सिग्मा लाइन भी बोलते हैं। होता है लोअर कंट्रोल लिमिट, जिसको हम लोग LCL बोलते हैं, इसको हम लोग माइनस थ्री सिग्मा लाइन भी बोलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं? दोस्तों, कंट्रोल चार्ट मेनली दो तरह के होते हैं, वेरिएबल चार्ट और एट्रीब्यूट चार्ट। वेरिएबल चार्ट में हमारा आता है आर चार्ट और एक्स बार चार्ट, और एट्रीब्यूट चार्ट में आता है पी चार्ट और सी चार्ट। वैसे तो जो वेरिएबल चार्ट है उसमें और दो चार्ट बनते हैं, एक्स बार और एस चार्ट भी बनता है, और एट्रीब्यूट चार्ट में हमारा एन पी चार्ट और एन चार्ट भी बनता है। लेकिन ये जो चार चार्ट बनते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी का यूज हम लोग कोई भी कंपनी इंडस्ट्री में करते हैं, बाकी का यूज नहीं होता है, इसलिए हमें इन चारों के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं CP और CPK के बारे में। तो पहला हमारा है CP, जिसको हम लोग प्रोसेस कैपेबिलिटी भी बोलते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी को हम लोग स्पेसिफिकेशन लिमिट और स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। CP इंडिकेट करता है कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है कि नहीं स्पेसिफिकेशन के साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। CP का फॉर्मूला होता है USL माइनस LSL बाई सिक्स सिग्मा, जिसमें कि USL होता है अपर स्पेसिफिक लिमिट और LSL होता है लोअर स्पेसिफिक लिमिट, जो कि हमारा जैसे जो भी हम लोग डाटा मेजर करते हैं तो उसका जो टॉलरेंस होता है, जो प्लस की टॉलरेंस होती है, अपर टॉलरेंस होती है, उसको USL बोलते हैं, और LSL जो लोअर टॉलरेंस होती है। सिग्मा को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जिसको कि हम लोग R बार बाई D2 फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं CPK के बारे में। CPK होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पेसिफिकेशन लिमिट, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की ज़रूरत होती है। ये CPK इंडिकेट करता है कि आपका प्रोसेस कैपेबल है कि नहीं आपको स्पेसिफिकेशन के लिमिट में प्रोड्यूस करने के लिए, और यह इंडिकेट करता है आपके प्रोसेस की एबिलिटी, क्षमता को, कि वो आपके टारगेट स्पेसिफिकेशन को पालन करता है कि नहीं। CPK का फॉर्मूला होता है मिनिमम ऑफ CPU एंड CPL का, जो मिनिमम होता है वो CPK होता है।
अब सीपीयू की फॉर्मूला होता है यूएसएल माइनस एक्स डबल बार बाय थ्री सिग्मा, जिसमें हमारा यूएसएल अपर स्पेसिफिक लिमिट एक्स डबल बार मीन जो होता है एवरेज हम लोग निकालते हैं बाय थ्री सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। उसी तरह सीपीएल का फॉर्मूला है एक्स डबल बार माइनस एलएसएल बाय थ्री सिग्मा। तो इस तरीके से हम लोग सीपीके को कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं एसपीसी के एग्जाम्पल के बारे में, एसपीसीके को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये है एसपीसीके का फॉर्मेट, जिसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे करते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है, हम लोग आसानी से ये जो रीडिंग होती है इतनी रीडिंग तो हम लोग डाल देते हैं कहीं से भी, या इसको मेजर करके भी डाल देते हैं, तो अपने आप सीपीके की वैल्यू आ जाती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पूरे अच्छे तरीके से इसको समझना है कैसे क्या होता है इस फॉर्मेट के अंदर। तो पहले हम लोग समझेंगे, जो ये आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग में है पार्ट का नेम एंड नंबर। तो यहाँ पे पार्ट का नेम नंबर होता है, कौन से मशीन या ऑपरेशन से बना है, तो ये बीएमसी से बना हुआ है। इसकी स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेसिफिकेशन ये है 4.5 प्लस माइनस 0.5 इसकी स्पेसिफिकेशन है। किससे हमने चेक किया, डायल वर्नियर से चेक किया है, एमएमए मेजरमेंट है। तो इस तरीके से ये इसकी हेडिंग को भर देते हैं। उसके बाद जो ये डाटा लिया जाता है, ये डाटा तो हमारा सैंपल साइज लेते हैं हम लोग कि एक दिन में हम लोग 5 सैंपल चेक करेंगे, उसमें इसकी रीडिंग क्या आ रही है। तो दोस्तों ये जो दिख रहा है आपको, ये डेट है कि हमने इस महीने में इतने इतने डेट को ये 5 सैंपल चेक किए थे और ये इसकी रीडिंग रही। तो दोस्तों उस हिसाब से हम लोग इसको, इस डाटा शीट को भरते हैं। तो ये हमारा डाटा शीट बन गया। अब हमें क्या करना होता है कि हमने जो भी ये डाटा लिया है, इसका हमें पहले तो समझ लीजिए आप लोग कि हमारा जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ हमारी इंडस्ट्री में मैक्सिमम एक्स बार और आर ग्राफ बनते हैं, मतलब एवरेज ग्राफ और रेंज ग्राफ बनते हैं। उस हिसाब से हम लोग जो भी ये डाटा कलेक्ट किया है हमने, उस हिसाब से हम इसकी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये जो आपका पहला दिन है, पहली तारीख को आपका ये जो डाटा आया, तो इसको हम लोग सब जो 5 हमारे सैंपल साइज हैं, 5ों सैंपल के डाटा को ऐड करेंगे और उसके बाद इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। यही इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर 5 से आप लोग इतने करके डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 4.48। इस हिसाब से हम लोग जो इतने दिन के डाटा कलेक्ट कर रखे हैं उस हिसाब से इसका एवरेज निकाल देंगे, मतलब एक बार निकाल लेंगे हम। अब इसके नीचे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है। रेंज कैसे निकाला गया है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हमारा जो 5 सैंपल साइज है, इसमें मैक्सिमम क्या है 4.80 है और मिनिमम 4.60 है मैक्सिमम और मिनिमम 4.40। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे तो 0.20 आ जाएगा। इस हिसाब से जितने भी डेट हैं उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम माइनस कर देना है, जो आएगा आपका रेंज हो जाएगा आर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग करते हैं कि हम लोग अपने एवरेज ग्राफ के लिए हमें कुछ डाटा इकट्ठा करने होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, हमने ये कंट्रोल लिमिट फॉर एवरेज चार्ट के लिए ये डाटा बनाई है, डाटा लिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स बार क्या होता है, एक्स डबल बार क्या होता है। एक्स डबल बार निकालने के लिए हमने, आपने देखा होगा यहाँ पे एवरेज निकाला था हमने, मतलब ये था एक्स बार। डबल बार निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो हमारा एक्स बार निकला है, ये टोटल आपका निकला हुआ है इतने दिनों तक, जो इन सबको हम लोग जोड़ के ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाई ये जितने हैं, जितनी क्वांटिटी में है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एक्स डबल बार आ जाता है, जो कि हमारा हमने कैलकुलेट किया है तो 4.466 आया है। उस हिसाब से अब एवरेज चार्ट के लिए हमारा UCL क्या होगा, अपर कंट्रोल लिमिट क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। अब समझिए, यहाँ पे
एक्स डबल बार तो हमने निकाल लिया, प्लस ए टू कहाँ से लेंगे? ए टू क्या होता है, जो आप ये देख रहे होंगे इस ग्राफ को, ये टेबल होता है जिसमें कि हमारा जो सैंपल साइज है, हमारा सैंपल साइज 5 है, तो इसमें से जो 5 सैंपल साइज है ये वाला, ये 5 सैंपल साइज से हम लोग, ये एक टेबल होता है जिसमें आपके जितने भी सैंपल साइज होते हैं वहाँ से हम लोग D2, A2, D3, D4 जो कि ये सारे यूज होते हैं CP के निकालते समय, तो हमारा सैंपल साइज 5 है, उस हिसाब से हमारा, हमें चाहिए A2, तो हमारा A2 कितना है, 0.577, तो हमने यहाँ पे 0.577 इंटू आर बार, अब क्या हुआ, आर बार वही होता है जो जो यहाँ पे हमने रेंज निकाला है ना, रेंज, उस हिसाब से आप लोग देखेंगे कि रेंज, जैसे हमने एक्स डबल बार निकाला था उस हिसाब से भी आपका आर बार निकलेगा, मतलब सबको ऐड करके और डिवाइडेड बाई उतना कर देना है, उस हिसाब से आर बार निकल जाएगा, तो उसी वो फॉर्मूला यूज करके हमने आर बार निकाला है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आर बार 0.204 है यहाँ पे, तो वो फॉर्मूला लगा के हमने निकाला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम जितने भी वैल्यू हैं उन सबको इसमें पुट कर देंगे, फॉर्मूले पे लगा देंगे, तो हमारा UCLX एवरेज के लिए अपर कंट्रोल लिमिट इतना आ जाएगा, और सेम LCL के लिए फॉर्मूला है उस हिसाब से ये हमारा ये आ जाएगा। तो हमने ये जो डाटा है ले लिया उसको, ठीक है, तो हमारा एवरेज चार्ट के लिए डाटा निकल गया। अब हम इससे एवरेज ग्राफ बना सकते हैं, उससे पहले हम लोग रेंज चार्ट के लिए भी डाटा एक कलेक्ट कर लें, तो आर बार जैसे कि मैंने बताया इतना हो गया, फिर इसके लिए भी अपर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे हम लोग, जिसका फॉर्मूला होता है D4 इंटू आर बार, तो D4 हमने, मैंने बोला था इस वाले चार्ट से लेंगे हम लोग D4, D4 की वैल्यू क्या आएगी, 5 सिंपल साइज के हिसाब से 2.114, तो उस हिसाब से आप लोग इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी। फिर LCLR के लिए निकालेंगे तो D3 इंटू आर बार, तो D3 आप लोग देखेंगे कि सैंपल साइज 5 में 0 है, मतलब आप कुछ भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। और यहाँ पे लिखा है USL और LSL, जो अपर स्पेसिफिक लिमिट होती है और लोअर स्पेसिफिक लिमिट होती है, तो ये जो 5 और 4 लिया गया है ये हमारा था, जो हमारा स्पेसिफिकेशन था प्रोडक्ट की 4.5 प्लस माइनस 0.5, तो उस हिसाब से 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, तो LSL 4 हो जाएगा, मतलब हमारी जो टॉलरेंस है वो 4 से 5 के बीच में आनी चाहिए, तो हमने ये लिख दिया है। अब हमें क्या करना होता है ग्राफ बनाने के लिए, तो दोस्तों कंट्रोल चार्ट को समझने के लिए आप मेरे 7QC टूल का वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कंट्रोल चार्ट को आसानी से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आप एवरेज चार्ट की ग्राफ बना रहे हो तो आपको क्या करना होता है, जो एक्स बार हमने कैलकुलेट किया है ये वाला, ये जो रीडिंग हमने कैलकुलेट की थी, ये दोस्तों दूसरा एग्जांपल है लेकिन उसी तरीके से बनता है। तो ये जो हमने रीडिंग ली है एक्स बार कैलकुलेट किया है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लाइन से। उसके बाद क्या होता है, जो एक्स बार का UCL आया है, जो एक्स बार का ये एक्स बार चार्ट के लिए जो UCL आया है उसको हम लोग, इस जो एक्स बार का वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे UCL एक्स बार का। उसके बाद जो LCL का आया है उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा एक्स डबल बार आया है उसको भी हम लोग लिख देंगे इस तरीके से, एवरेज ग्राफ को बनाने के लिए। इसी तरीके से बिल्कुल सेम रेंज चार्ट भी बनेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अब क्या करना है, अपने ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, इन सारे डाटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आप लोग सेलेक्ट कर लें इसको। इन सभी डाटा को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जाना होता है, इंसर्ट में जाना होता है। इंसर्ट पे जाकर के आप लोग देखेंगे चार्ट, जो भी चार्ट है, तो हमें लाइन चार्ट को सेलेक्ट करना है। लाइन चार्ट में हमें ये वाली चार्ट सेलेक्ट करनी है, तो जिसे आप सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से हमारा कंट्रोल चार्ट बन जाएगा, रन चार्ट भी जिसको बोलते हैं। ये आपकी वैल्यू हो गई,
ये हमारा LCL है X बार के लिए, जो कि हमारा आ रहा था यहाँ पे 4.96। ये देखिए 4.96 के आसपास में है। ये हमारा X डबल बार है जो कि 5.19 था। और ये हमारा UCL है, अपर कंट्रोल लिमिट है, तो इस हिसाब से। और ये X बार की वैल्यू है जो इस हिसाब से बन रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कंट्रोल चार्ट को बनाएंगे, एवरेज चार्ट को, और इसी तरीके से हम लोग रेंज चार्ट को भी बनाएंगे। दोस्तों ये है सिग्मा लेवल, जिसमें हम लोग समझेंगे कि अगर हमारी रीडिंग जिस हिसाब से आती है उसको वहाँ पे रखेंगे तो क्या होता है, किस तरीके से समझते हैं। दोस्तों ये है सिग्मा लेवल, ये सिग्मा के लेवल हैं, जो सिक्स सिग्मा होते हैं उसके लेवल हैं, जो कि 1.5 से स्टार्ट किया है, 1.53, 3.54, 4.55 और 6, ये सिग्मा लेवल है। ये है DPMO, जिसको कि हम लोग डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं, जिसमें कि अगर पहले समझ लीजिए यील्ड, यील्ड मतलब परसेंटेज होता है, 50% इतना परसेंट, इतना CPK की वैल्यू होती है 0.5 इस हिसाब से। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी जैसे वैल्यू आई है 1.77, तो 1.77 आई है, तो ये वैल्यू आपकी इसके बीच में आ रही है, मतलब ये 5 सिग्मा लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, ये आपकी वैल्यू 5 सिग्मा लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो ये आपकी वैल्यू जो आती है CPK की, वह 1.33 से ऊपर होना चाहिए, तो तभी हम लोग मानते हैं कि हमारा प्रोसेस स्टेबल है। नहीं तो अगर 1.33 से नीचे रहेगा तो हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए CPK की वैल्यू हमेशा 1.33 से ऊपर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा ऊपर होगा, दो जो होता है वो सिक्स सिग्मा लेवल होता है। सिक्स सिग्मा लेवल मतलब आपकी प्रोसेस कैपेबल है, बिल्कुल कोई चांस नहीं है वहाँ पे फेलियर का, लेकिन बहुत कम चांस में सिक्स सिग्मा लेवल आता है। आप फोर सिग्मा लेवल और सिक्स सिग्मा लेवल के बीच में अगर आपकी रीडिंग आती है तो आपका प्रोसेस स्टेबल है। तो ये इस तरीके से सिग्मा का लेवल है, ये इतना है। अगर 5 सिग्मा लेवल है आपका प्रोसेस, तो आपका डिफेक्ट मिलियन में 230 आएगा, 1 मिलियन में 230 डिफेक्ट आएंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका CPK 1.67 आएगा और ये 5 सिग्मा लेवल होगा। इस हिसाब से इसको हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। अगर आपको जहाँ भी कहीं समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं।